नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वर्ष 20 मार्च के आसपास रेलवे ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के अनुसार अपनी सारी ट्रेनें बंद कर दी थी। मई माह में श्रमिक ट्रेनों से फंसे हुए श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। उसके बाद जून माह में कुछ ट्रेनों को धीरे धीरे शुरू किया गया। यह सिलसिला वर्तमान तक जारी है। पिछले दिनों भी कुछ ट्रेनें जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई थी वे वापस से शुरू हो रही हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनके शुरू होने के बारे में अभी तक रेलवे के द्वारा कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है और जनता इनके शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हम मालवा क्षेत्र की कुछ ट्रेनों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से यदि कोई नाम छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। सबसे पहले इंदौर की कुछ ट्रेनों का जिक्र हम करेंगे। इंदौर भोपाल नाइट एक्सप्रेस, इंदौर देहरादून एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल महामना, इंदौर छिंदवाड़ा पेंचवेली पैसेंजर जिसको कि एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया जाना है, इंदौर वाराणसी काशी महाकाल एक्सप्रेस, यह गाड़ी जल्दी ही शुरू हो सकती है क्योंकि इसके जो लगेज कार के टेंडर है वह IRCTC ने खोले हैं। उत्तर रेलवे की बरेली इंदौर गाड़ी, अजमेर रामेश्वरम हमसफर गाड़ी, उज्जैन भोपाल पैसेंजर, उज्जैन देहरादून उज्जैनी, शालीमार भुज साप्ताहिक गाड़ी, रतलाम कोटा पैसेंजर, कोटा वडोदरा पैसेंजर, हल्दी घाटी पैसेंजर जो कि मथुरा से रतलाम के बीच में चलती है, रतलाम चित्तौड़ डेमू और इनके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर तथा रतलाम से डॉक्टर अंबेडकर नगर की कुछ डेमू भी इस लिस्ट में शामिल है। रतलाम उदयपुर पैसेंजर, मंदसौर उदयपुर पैसेंजर, मंदसौर कोटा पैसेंजर। वहीं मीटर गेज सेक्शन की बात करें तो महू डॉक्टर अंबेडकर नगर से डॉक्टर ओमकारेश्वर रोड स्टेशन के लिए 3 ट्रेनें मीटर गेज की चलती थी। वहीं हेरिटेज ट्रेन जो डॉक्टर अंबेडकर नगर से कालाकुंड स्टेशन तक चलती है वह भी शुरू होना है। ये गाड़ियां जल्दी ही शुरू होने वाली थी लेकिन फिर से कोरोना की वजह से इनका संचालन पर ब्रेक लग गया है। वहीं हम कुछ ट्रेनों का जिक्र करना चाहते हैं जो कि वापस अब नहीं चलेंगे। जीरो बेस्ड टाइम टेबल की वजह से इनको हमेशा के लिए बंद करने का रेलवे ने मन बनाया था। मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, इंदौर मक्सी पैसेंजर गाड़ी, इंदौर जयपुर लिंक, रतलाम झांसी लिंक, मेरठ मंदसौर लिंक गाड़ी, अजमेर बांद्रा लिंक गाड़ी, साथ ही रूट डाइवर्ट करके वर्तमान में चलाई गई कोलकाता अहमदाबाद गाड़ी रतलाम से साबरमती के बीच के स्थित स्टेशनों से हमेशा के लिए छिन गई है। भारतीय रेलवे जल्दी ही एक्सप्रेस में बदलकर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इनको वह मेमू रेक से चला सकता है। जिस तरह की गतिविधि वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में देखने को मिली है उसी तर्ज पर रतलाम मंडल भी जल्दी ही जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी जगह पर मेमू गाड़ियां चला सकता है। हालांकि यह कब तक होगा इसके बारे में हम कुछ पक्की बात नहीं कह सकते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।